खुदावन मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदावन के घर में, खुदावन के कलाम में एक बार फिर आपको अपने साथ पाते हुए खुशी और शादमानी महसूस करते हैं और शुक्रिया अदा करने चाहते हैं अपने खुदावंद का और साथ ही साथ आप सभी का। और हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं आपके हौसला अफजाई के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपकी शेयरिंग के लिए, आपकी दुआओं के लिए। आए आज उसी जबूर 23 की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें 15वीं वीडियो आज आप देखेंगे हमारे साथ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, खुदावंद है जो ऐसा करते हैं और चाहते हैं हमसे कि हम हमेशा जुड़े रहें। अगले हिस्से में हम देखते हैं, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि यह जबूर तारीखी एतबार से, लेकिन नबूवती और मुकाशफाती जरूरी है कि इन बातों को कि आज हम ईमानदारों के लिए इसमें क्या रखा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, इंतहाई संजीदा मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप सोचों की वजह से परेशान हैं और कई बार गिर चुके हैं, कई बार ऐसे कामों में गिर चुके हैं जो आप नहीं चाहते लेकिन कमजोर हुए और गिरे हैं, और आप नदामत पश्चिमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज रहाई का दिन है। आए आज खुदा रूल कुदस की मदद से इस बात को समझें। खुदा का बंदा दाऊद जो है अपनी पूरी जिंदगी का नचोड़ याद रखिएगा, हम इस बात का यकीन रखते हैं कि जहां वो गिरे, नाकाम हुए, फेल हुए, बादशबा के बारे में हम बखूबी जानते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में उन वाकयात, मतलब उस वाकया के बाद की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो हमें एक फर्क दाऊद नजर आते हैं। पहले वाले दाऊद नजर नहीं आते उस वाकया के बाद। और यही हमारे खुदावंद की मोहब्बत को, क्योंकि वही है जो मोहब्बत रखने वालों के लिए हर बुरी चीज को, हर बुराई को भी भलाई में बदलने की कुदरत रखते हैं और बदलते हैं। कलाम गवाह है कि अपने लोगों की जो उसके लोग हैं उनसे कमजोरियां, उनकी जिंदगी में कमजोरियां आई, उनसे गुनाह सरजद हुए, लेकिन खुदावंद ने हर बुराई को भी उनकी जिंदगी में भलाई में बदल डाला। और खुदावंद आज भी ऐसा करने पे कादर है। आज मैं साथ रहिएगा। मैंने बात की है कि अगर सोचे, क्योंकि याद रखिएगा कोई अमल कायनात में, कोई भी अमल वो अच्छा अमल है या बुरा अमल है, वो सोच के बगैर नहीं आता। और खुदा के बंदा दाऊद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए। अपने महल की छत पर हैं, वहां पर किसी तरफ नजर पड़ी, और जब नजर पड़ी तो सोच कहां पर आई? जहन में। और जहन, कितने बहन भाई जानते हैं कि जहन सर के अंदर है, जहन हाथों में नहीं है। हाथों को जहन चला रहा है, पूरी बॉडी को जहन चला रहा है, सोच अमल पैदा कर रही है। निगाह ने देखा। आज भी हम में से बथेरे हैं जो रोज गिर रहे हैं, कोई हफ्ते में एक बार गिर रहा है, लेकिन आज का कलाम जो है उन गिरने वाली तमाम उन कमजोरियों से निकालना चाहता है। जब हमारी सोचें पाक होंगी, जब हमारे ख्यालात पाक होंगे, जब हम सोचों पर गालब आएंगे, तो हमारे एक्शन, हमारे अमल जो है जिंदगी के
वो भी खुदावंद की खुशनुदी के लिए हो जाएंगे। खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी पर निगाह करें, सोच आई और उस सोच को कबूल किया, और जब उसको सोच को कबूल किया जो गलत थी, जो बदी की तरफ रागब कर रही है, जैसे ही उस सोच को कबूल किया अमल पैदा हो गया और किसी को भजवा दिया, इंफॉर्मेशन ली कि वो छत पर जो औरत नहा रही है वो कौन है, उसे बुलवाया, और उसके बाद क्या हुआ ये हम बखूबी जानते हैं। और एक गुना जब सरजद हुआ तो जब तक गुनाहों की माफी नहीं पहुंची, जब तक गुनाहों की माफी का पैगाम नहीं पहुंचा, ये एक खूबसूरत मौजू है। जुड़े रहें, हम आने वाले अय्याम में इस सीक्रेट को, इस राज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन आज कलीसिया में भी चल रहा है। समझा जाता है कि जितना हम लोगों को गुनाहों का एहसास दिलाएंगे, याद दिलाएंगे, लोग गुनाह से बाज आएंगे, ये हमारी भूल है। कलाम गवाह है, यीशु मसीह ने फरमाया जाकर कौमों में मनादी करो कि यीशु मसीह के नाम से गुनाहों की माफी मिलती है। अगर हम ईमानदारी से इस मुकाशफे के इस भेद को समझें तो गुनाहों की माफी के पैगाम को जो जान कबूल करती है उसी घड़ी उसकी जिंदगी में गुनाह रुकता है। इस सास से गुनाह जो है वो गुनाह से अगले गुनाह पूरे एक साइकिल को एक दायरे के अंदर चलता रहता है। कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि उसने गुनाह किया बादशाह के साथ, और उसके बाद गुनाह के बाद गुनाह पे गुनाह जो है वो मर्डर कत्ल और वो सब कुछ जो है वो होता रहा। और एक दिन जब खुदावंद ने उस तक पैगाम पहुंचाया कि हाँ अपने बंदा अपने नबी नातन के जरिए, और जैसे ही उस तक पैगाम पहुंचा और उसे एहसास हुआ, और उसी घड़ी वो यीशु खुदावंद के कदमों में आया और उसने माना, इकरार किया कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ, लेकिन खुदावंद ने रहम किया उस पर, अपना फजल किया और पैगाम दिया उसे कि मैंने तेरा गुनाह माफ़ किया। कलाम गवाह है, जब तक गुनाहों की माफ़ी का पैगाम उस तक नहीं पहुंचा, गुनाह पर गुनाह चलता रहा, लेकिन जैसे ही उस तक गुनाहों की माफ़ी का पैगाम पहुंचा, उसने इकरार किया गुनाह को की माफ़ी के लिए, खुदावंद से दरख्वास्त की, खुदावंद ने उसका गुनाह माफ़ किया, और उसके बाद दाऊद वो पहले वाला दाऊद ना रहा। अगरचे उससे पहले खुदावंद ने उसके लिए कहा था मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी, काश के वक्त हो और हम बैठ कर एक एक लम्हा उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करें। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, यही पैगाम आज है कि सर पर उसके तेल को मांग लें। जब सर पर तेल आएगा, हेलमेट जो नजात का हम इफ़सियों के खत में भी पढ़ते हैं, जब हेलमेट नजात का पहन लेंगे, नजात का खुद जो हेलमेट है, उस मखलसी का जो गुनाहों से नजात लाती है, बदी से, बुराई से, मेरी बहन, मेरे भाई, उस कफारे के खून को आज मांग ले, क्योंकि इससे पहले के अनॉइंटिंग ऑयल पुराना अहदनामा में वाज़े तौर पर बताता है कि पाकीज़गी के लिए कफारे का खून लगाया जाता, और जहाँ कफारे का खून आता उसके ऊपर मसा का तेल लगाया जाता। और यहाँ पर इशारा किस तरह है, उसने मेरे सर पर तेल डाला है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि गुनाहों से, बदी से रोकने के लिए उसका मसा मौजूद है। आज भी यीशु के पाक खून को अपनी सोचों में ले, ख्यालों में ले, ताकि सोचे पाक हूँ, ख्याल पाक हूँ, और फिर वहाँ से वो तेल बहता हुआ हमारे दिल में आ जाए। आज हम इसी के साथ, हमारा आज का वक्त हुआ जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करते हैं। सो आए, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखें, और अच्छा है कि एक दिल पर और एक अपने सर पर रखें, ताकि हम अपनी सोचों के लिए खुदा रूल कुद्दस से मदद मांगे। यीशु के नाम में बाप, हम आपकी हजूरी में आते हैं और उस ताज़ा तेल को
उस ताज़ा मसा को जो यीशु मसीह के खून पर, कफारे पर, उसके जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से वो मसा हमें मिलता है, उस मसा को अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में मांग लेते हैं। आपका खादम होते हुए एक एक बेटी के लिए, बेटे के लिए, बहन भाई के लिए, बुजुर्ग बच्चे के लिए खुदावन आपके मसा को मांग लेता हूँ। सोचें पाक हूँ, ख्याल पाक हूँ, इरादे पाक हूँ, ताकि हमारा चाल चलन जो है वो पाकीजगी, दीनदारी और रास्तबाजी में, और जिए तो आपके लिए जिए, क्योंकि आप इसीलिए हमारे लिए मुए ताकि हम आपके लिए जी सकें। हमारी दुआ को सुनिए और अपने बेटे के नाम में कबूल फरमाइए, मसीह के नाम में, आमेन।